नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी में कृषि व पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है ताकि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री ने किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य स्थापित किया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि छोटे किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी 90% तक है ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी ले सके। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि विभाग कई बड़ी योजनाओं को लेकर आ रहा है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सूचना देने के लिए किया जा रहा है कि हमारे भिवानी जिले के लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहरलाल जी 7 तारीख को शनिवार के दिन हमारे ज़िले के अंदर बहुत बड़ी जनसभा करेंगे और इस जनसभा का स्थान जो है कैरू में निश्चित हुआ है। कैरू इसलिए कि भिवानी का जो हमारा नारा था चारों सीटें जीतने का, थोड़े से वोट से कैरू ये तोसाम हल्का हम पीछे रह गए थे, तो उसी को फोकस में रख के इस स्थान को चुना है। और ये प्रगति रैली के नाम से, हरियाणा प्रगति रैली के नाम से ये रैली करेंगे और चारों हलकों से इसमें भागीदारी करेंगे और चारों हलकों की जो है पब्लिक की डिमांड अभी ले करके उनकी जांच करवा करके जो फिजिबल काम होंगे उनकी वहां पर घोषणा करेंगे, शिलान्यास भी होंगे, जो काम पूरे हो चुके हैं उद्घाटन भी होंगे और हर क्षेत्र के लिए जो HRDF से ग्रांट दी जाती है वो भी मिलेगी। मैं आपका पहुंचने की भी आज से ही न्योता ले रहा हूँ और ये ऐतिहासिक रैली होगी भिवानी जिले की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। उससे शुरू करवा रहा हूँ, डॉक्टर बहन जाके डॉक्टर बैठ के कंपाउंडर लेके, क्योंकि गाय भैंस बीमार होती है तो हॉस्पिटल तक लेके 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर ले रास्ता, उसकी बजाय मैं कहता हूँ डॉक्टर गांव-गांव में जाए, कोई बीमार हो तो उसको देखना शुरू कर। आज से एक नई योजना की शुरुआत भी है, पायलट प्रोजेक्ट है कि डॉक्टर बैठे 10-20 गांव में जाए, उसके पास दवाई भी हो कंपाउंडर भी हो, गांव वाला तुरंत पता चले डॉक्टर आया है। मोबाइल में अभी 2 से शुरू किया लेकिन धीरे धीरे जब कामयाब हो जाए धीरे धीरे बढ़ाएंगे। में ड्रिप है उसका सेंटर यही है कि पानी कम पानी से ज्यादा खेती कैसे की जाए। 85% भिवानी जिले के अंदर एग्रीकल्चर का विभाग का HAU का सेंटर खुलवाएंगे, एक और एक्सेलेंस का बागवानी विभाग का सेंटर खुलवाएंगे, पशुपालन विभाग का अलग से सेंटर खुलवाएंगे, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी उसका सेंटर यहाँ खुलवाएंगे और दूध की के लिए मेरी कोशिश है कि जो हमारी है मिल्क प्लांट बंद हो गया था यहीं पर इसको चालू कराएं या कोई एक मिल्क प्लांट भी चालू कराएं। कहा था कि जो गांव ग्राम सभा से मना कर देगा, लगभग 800 कुछ के प्रस्ताव आए, 100-125 प्रस्ताव में कुछ खामियां थी। साथ पहली बार है कि ग्राम सभा के कहने से, ग्राम वासियों के कहने से 700 गांव में हमने ठेके ना खोलने का फैसला कर लिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि हर एक बोतल पे हॉलमार्क होगा, जो दुकान पे वो बोलता है ना निशान लगा होता है कि उसके बगैर बिल के कोई रखेगा तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना किया है। हमारा ये है कि जो गलत शराब है वो ना बिके, पीने वाले को हम रोक नहीं सकते लेकिन अच्छी क्वालिटी की चीज़ वो हम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और सरकार ने इस पॉलिसी में ये रखा है कि जो सॉफ्ट लिकर है जैसे वाइन है या बियर है उस पर हमने कुछ टैक्स कम किए हैं और जो हार्ड लिकर है उस पर टैक्स कुछ बढ़ाए हैं। और हमारा टारगेट ये है कि सरकार का एक्साइज तो बढ़ेगा लेकिन जिस गांव ने कहा है कि हमारे यहाँ ठेका ना खोला जाए, लगभग 700 गांव के अंदर ठेके बंद करने का मतलब, लेकिन सर टारगेट योजना है। और इस बार हमने पहले 4-5 सब्जियां थी, इस बार 6 और जोड़ी है कृषि विभाग ने और अगले साल हर साल इसमें जोड़ते जा रहे हैं। फसल बीमा के बारे में हमारी सरकार को इतना क्रिटिसाइज किया, इतना किसी योजना ने नहीं क्रिटिसाइज किया लेकिन हरियाणा की फसल बीमा योजना की वजह से किसानों को बहुत जोखिम फ्री जिंदगी जीने का मौका मिला है। हरियाणा के अंदर मेरे पास ये भाग है,
600 करोड़ रुपया आज तक जब से योजना बनी है लिया गया है किसानों से, 1000 करोड़ रुपया का योगदान भारत सरकार हरियाणा सरकार का है, कुल 1600 करोड़ रुपये कंपनी लेके गई है, 2098 करोड़ रुपये हरियाणा के किसानों को बांटा जा चुका है, 498 करोड़ रुपये के घाटा दे के कंपनी हरियाणा में। समर्थन मूल्य सब अभी तक हमारे पास 52 भरपाई योजना है, सारी चीजें सरकार नहीं कर सकती, लेकिन 15-12-14 आइटम का हमने कर दिया कि उससे नीचे 16 आइटम का कर दिया कि भाव नीचे गिरेगा तो आप जो मंडी का स्लिप ले आओ, बिल ले आओ, कितने कम में बेचा है, ऑनलाइन जो बैलेंस होगा उसके खाते में हम ट्रांसफर कर दें। मैंने आप समझे किस चीज़ का मना कर दिया, किस चीज़ का मना खराब वो PDS का सिस्टम था, डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पोर्ट किया था प्याज, वो आते खराब हो गया तो इन्होंने मना कर दिया होगा, लेकिन उसका हमारे विभाग से कोई वो नहीं है, प्याज बंटवाना हमारे किसी विभाग का वो नहीं है, वो फूड एंड सप्लाई का, डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी और विभाग का होगा, वो मेरे संज्ञान में भी नहीं है। लेकिन एक चीज आपको बता देता हूँ कि हरियाणा को हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5000 करोड़ रुपए सूक्ष्म सिंचाई के लिए देश में मंजूर किया इस बजट में, उसमें से 1200 करोड़ रुपए की स्कीम हरियाणा लेके आ चुका है, जिससे कि हमारी सूक्ष्म सिंचाई, हमारे यहाँ पानी की कमी है, पानी को हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन पानी का उचित बंटवारा करके कम पानी से ज़्यादा फसल ले सकते हैं, इसलिए सूक्ष्म सिंचाई की योजनाएँ जो हैं 1200 करोड़ रुपए की हरियाणा में लेके केंद्र से मिला सहायता मिली है, जो हमें हमारे पास स्कीम बन के आ चुके हैं, अगले आने वाले दिनों में अभी भी हमारे यहाँ कुछ ब्लॉक ऐसे हैं हमारे, जैसे तोसाम का है, लोहारू का है, पहल का है, 85% तक सब्सिडी है, पहली बार हमने किसान से संबंधित FPO बनाने की कल्चर की है, किसान के पास छोटी जोत है, 2 एकड़ का किसान है, 3 एकड़ का किसान है, उसके पास बेचारे के पास ताकत नहीं होती, तो समूह बनाने की कोशिश की है, और उन समूहों के अंदर मैं 2 FPO के लिए प्रोसेसिंग हाउस, पैक हाउस उनका उद्घाटन करके आया हूँ, 90% तक सब्सिडी दी है, उसकी बिजली का रेट भी हमने 250 रुपये कर दिया है। ये 1200 करोड़ कौन देगा? केंद्र सरकार। हाँ जी, इसी में सूक्ष्म सिंचाई के लिए, सिर्फ सूक्ष्म सिंचाई के लिए, सिर्फ सूक्ष्म सिंचाई के लिए FPOs के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि 10,000 FPO देश में बनानी है, उसमें से मेरा विभाग जो है 400 FPA बना चुका है, 3 FPO कंप्लीट हो चुके हैं, 300 करोड़ रुपये FPO। FPO में क्या होता है कि 10-20-50-100 किसान मिलके एक प्रोसेसिंग हाउस बना लें, एक पॉली हाउस, एक ग्रेडिंग हाउस, एक पैकिंग कर लें, और उसको एक कोल्ड स्टोरेज भी उसके अंदर हो जाए, ताकि भाव डाउन है तो 10 दिन उसको माल को रख लें, तो एक नई कल्चर जो है एग्रीकल्चर की हम क्रिएट कर रहे हैं, और मंडियों का विकास भी कर रहे हैं। हमारी हरियाणा देश के अंदर पहला प्रदेश होगा जिसके किसान की आमदनी मोदी जी के लक्ष्य से पहले पूरी हो। नहरी पानी के लिए, पशुपालन के लिए, या भिवानी जिले की जो जो समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री के ध्यान में ला के, जो दूसरी पारी की शुरुआत जो है उन्होंने पहला जलसा तो कर लिया दोगड़ा हीर में, दूसरा जलसा आज पलवल जिले में है, और तीसरा जलसा हमारे यहाँ भिवानी में होगा, तो बड़ा खुशी का मौका है। आज हम भिवानी जिले के सारे कार्यकर्ताओं ने मीटिंग की है, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है, और इस रैली में अभूतपूर्व भीड़ होगी, बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है, ग्रामीण क्षेत्र में भी उत्साह है कि भिवानी जिला जो है विकास के मामले में अब अग्रणी रहेगा। अब आप पूछ सकते हैं, है ग्राउंड देख के हम फैसला कर देंगे, छोटा गाँव ही तो स्पेस तो नहीं है, कर स्पेस हम ढूंढ लेंगे, खाली करवा लेंगे, जगह हम खाली कराएंगे, हेलीपैड के लिए भी अलग से कराएंगे, और अच्छी उसमें कहीं भी जगह हम रुके, जो उचित स्थान होगी, कैरू गांव है अभी तो सिर्फ इतना है कि कैरू में इतना फैसला है, स्थान का भी हम आपको जानकारी दे देंगे। कल मैं गया था, हमारे जो मंत्री हैं आर्कोलॉजी के, ये द्वारू का किला एक ऐतिहासिक धरोहर है, खंडहर होता जा रहा है, तो इसको जीर्णोद्धार कैसे हो, इस बारे में विचार विमर्श किया था हमारे मंत्री जी ने, और अब उन अधिकारियों को लेके लोहारू का किला ही नहीं, भिवानी जिले के अंदर सरकार का विशेष ध्यान है, यहाँ चाहे किसान की आमदनी बढ़ानी हो, चाहे नहरी पानी देना हो, पीने के पानी की व्यवस्था करनी हो, या भिवानी शहर के कुछ बाईपास निकालने हैं, सब तरह के हम धीरे धीरे करके ध्यान मुख्यमंत्री जी का आकर्षित कर रहे हैं, और इसीलिए हम सबसे पहले रैली लेते हैं।
भारतीय जनता पार्टी प्रारंभिक सहायता अभी तो सिर्फ कार्रवाई शुरू हुई है, एस्टिमेट बनेगा और जब सेंक्शन होगा तो आपको जानकारी टाइम। अभी पहला ही मीटिंग हुई है, पहले तो इस किले के ऊपर कोई जाता ही नहीं था। पहली बार एक ऐतिहासिक किले देखने के लिए जो हमारे विभाग के मंत्री हैं वो वहाँ पहुँचे हैं। मेरा मैं वहाँ से विधायक हूँ तो उनको मैंने बुलाया और उन्होंने शहर से इसको स्वीकार किया। आधा घंटा उसके लिए को देखा, अधिकारियों को साथ लिया, तो जो जो कानून कायदे से जो 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 उसका हो सकता है वो करवाया। जो टैक्स इकट्ठा करने वाला आदमी है वो टारगेट टैक्स इकट्ठा करने का लेता ही हमेशा। सर आम आदमी को भी एक हमने किसी लाइसेंस दे दिए वो भी 10-12 बोतल नहीं नहीं अब ये है कि इलीगल काम करने को जाए सोशल मीडिया पर ये चीज़ें तो हर चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। अब शादी में ब्याह में कहीं में इलीगल तौर पर शराब पीते हैं उसको कहे भी तो इसको लीगल तरीके से काम करो, जो गैर कानूनी काम कोई ना, इसलिए ये पॉलिसी बनाई। मैंने बैंकर की मीटिंग कर ली है। शुरू के अंदर कोई भी अच्छी योजना चलाते हैं तो इतना सहयोग नहीं मिलता, बैंकर का सहयोग नहीं मिलता, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में हजारों की संख्या में कार्ड आपके भिवानी जिले में इकट्ठा मेला करके बंटवा दो, मैं पीछे लगा हुआ और ये बटेंगे। और दूसरी योजना में लेके आया था गरीब आदमी हर एक आदमी को 20 भेड़ देके दें फ्री ऑफ कॉस्ट, वो पहले 20 भेड़ में आज लोहारों में गरीब आदमी को देते हैं। राजनीतिक मजबूरी है पार्टी लाइन पे चलना, लेकिन वैसे उनको भी पता है कि अच्छा हुआ। अधिकारियों को यहाँ बुलाया था, उनको सेक्टर दिखाए, उनको ये अपना सेक्रेटेरिएट का सिस्टम दिखाया, जो टाउनशिप बनने जा रही है ट्रांसपोर्ट की वो दिखाया, इंडस्ट्रियल टाउन दिखाया। और मैंने चंडीगढ़ में भी अधिकारियों से मीटिंग कर ली है, उस भिवानी शहर के लिए हुड्डा से टाउन कंट्री प्लानिंग से अच्छा खासा बजट आने वाला। सिर्फ हुड्डा की बात नहीं सर, तमाम सड़कें जितनी हैं उसकी तरफ भी मेरा पूरा ध्यान है। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद कि भिवानी के हर कोने में आपको काम चलते दिखाई देगा। हमारा पुराना डला हुआ था पूरा, इसको ठीक कराना चाहिए था। ये सही है कि सीवर रुक जाते हैं और इसमें अकेले सरकार का विभाग का कसूर नहीं, हम उसके अंदर तरह तरह की चीज़ें पाई, प्लास्टिक का और का थोड़ा सा जो यूजर है वो भी उसको सही उपयोग में नहीं लाते, लेकिन यहाँ स्पर्शकर्मक मशीन से जो ले जाके और भिवानी के लिए पीने के पानी की भी लाइनें बदलवा के आने वाले वक्त में जो हमारा लक्ष्य है 55 लीटर के से 70 लीटर के बीच में जो पानी देने का हर घर में देना है, तो सीवर के लिए भी, वाटर सप्लाई के लिए भी, सड़कों के लिए भी और बिजली के लिए भी, शहर के लिए ये चीज़ है मेन फोकस रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र पे नहरी पानी, अच्छी मंडियाँ और जो जो पीने के पानी की व्यवस्था है इसकी तरफ हमारा विशेष फोकस रहेगा। वो जो पीछे की घोषणाएं हैं वो उनको भी हम फिर देखेंगे किस वजह से क्या रुकी हुई है। जब बड़े नेता आते हैं तो इन चीज़ों का भी सबका एग्जामिन हो जाता है और कोई चीज़ अटकी हुई है प्रशासन सारा हिल जाता है, सबके ध्यान में आ जाती है जो चीज़ अटकी हुई है उसको भी हम शुरू कराएंगे। पुरानी जो घोषणाएं हैं उनका भी सारा देखेंगे कि कौन सी घोषणाएं किस वजह से रुकी हुई है, उनकी अड़चन को दूर करेंगे। आपके पास कॉपी है नहीं है गवर्नर एड्रेस की? गवर्नर एड्रेस के जितने पेज थे उसमें से आधे पेज सिर्फ कृषि पे है, कृषि पे, पशुपालन पे, बागवानी पे, मछली पालन पे। ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि सारे विभाग में आधे पन्ने हैं, एक अकेले विभाग में एक मंत्री में आधे पन्ने हैं, वो भी पहले हैं। बजट भी उसी अकॉर्डिंग होगा। बिल्कुल, जब राष्ट्रपति गवर्नर का एड्रेस होता है वो सरकार की दिशा को दिखाता होता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी पूरा जो है ध्यान तो है कृषि की तरफ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पूरी तरह, पहली बार ऐसा बजट आया है जो प्रदेशवासी की सलाह से बनाया जा रहा है, कृषि उनके औद्योगिक जो क्षेत्र के प्रतिनिधि थे उनसे फरीदाबाद में मीटिंग हुई, किसानों से यहाँ पर मीटिंग हुई हिसार में, और पानीपत में जो इंडस्ट्रीज थे उनसे अलग से मीटिंग हुई, MLA के विधायकों की सबसे मीटिंग की, हमारे MP साहब के यहाँ जाके MP की सलाह ली, और उसके बाद इस सारे पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 दिन तक पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी विधायकों ने, पुराने मुख्यमंत्री ने और नेता विपक्ष पुराने ने, सब ने मिलकर अपने अपने सुझाव दिए
और मुख्यमंत्री जी ने खुले दिल से कहा है कि प्रदेश के विकास का बजट है, इसमें सबका योगदान लिया जाएगा।